आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चतरा जिले के मगध आम्रपाली क्षेत्रीय समिति ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 100वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें यूनियन के सदस्यों ने मगध व आम्रपाली परियोजना में केक काटकर और सभी कर्मचारियों के बीच मिठाई बांटकर हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही पूर्वजों द्वारा मजदूर हित में किए गए आंदोलनों को बताया गया, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। काफी गौरव की बात है कि हमारी यूनियन ने आज 100 साल पूरे किए हैं। इस दौरान एटक ने विभिन्न आंदोलन करके मजदूर हित में अनेकों कानून बनवाए हैं, उसे हम लोगों को कायम रखना है। स्थापना दिवस मनाने में मुख्य रूप से मगध सचिव श्री विश्वनाथ महतो, आम्रपाली सचिव श्री विजय बेदिया, सचिव श्री रोहित सिंह, संतोष पासवान, राजेश राव, पूनम तिवारी, मुनिता देवी, कुंती देवी, नीलम उराइन, मुनिया देवी, सुनीता देवी, वीरेंद्र उराव, हरेंद्र महतो, जमनी देवी, अंजलि देवी, अन्य यूनियन सदस्य उपस्थित थे। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का 100वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो कि काफी ही गौरवान्वित दिन है। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1920 में हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था, और उस गठन के दरमियान सैकड़ों मजदूरों के हितों में आंदोलन हुए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग को मिल रहा है। 8 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं, वेतन समझौता हो रहा है और मजदूरों को अपने हक अधिकार को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है, और इसको हम याद करते हैं। आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 100वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, सभी मजदूर साथियों को 100वां स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोग एटक का 100 वर्ष पूरा होने की खुशी में मगध और आम्रपाली परियोजना में केक काटकर और मिठाई बांटकर हमारे वर्करों ने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाई दिया। इसके लिए धन्यवाद सब वर्कर एवं पदाधिकारी। एटक का 100वां वर्षगांठ आज मगध आम्रपाली क्षेत्र में पूरे धूमधाम से मनाया गया, और साथ ही साथ एटक का जो इस 100 वर्ष पूरा हुआ उस दरमियान हमारे यूनियन के पदाधिकारियों ने जो भी संघर्ष के बदौलत हम मजदूरों को जो हक अधिकार दिलाया है, उस पर हम लोगों ने विस्तारपूर्वक सभी वर्करों को जानकारियां दी, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हक अधिकार के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी, और हम लोगों ने धूमधाम से सभी वर्करों को मिठाइयां बांटकर यह वर्षगांठ मनाया है मगध आम्रपाली क्षेत्र में।